अच्छा कहीं बाहर जाइए और ठेले वाले भैया की चाट दिख जाती है तो मुंह में पानी आ जाता है ना, तो उसी लाजवाब चाट की रेसिपी को आज आपके साथ शेयर किया बहुत ही सिंपल तरीके से। आज मैं बना रही हूँ आलू टिक्की चाट। इसे मैंने दो तरीके से आपके साथ शेयर किया, जो जैसा आपको पसंद हो वैसा बनाइए, और साथ ही साथ मैंने तीखी चटपटी चटनी की भी रेसिपी को शेयर किया। तो चलिए मेरी आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने 5 उबले आलुओं को ग्रेट करके रख दिया। टिक्की जब भी बनाइए तो आलुओं को ग्रेट करना बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि मैश करते समय क्या होता है कि आलू के छोटे छोटे चंक्स रह जाते हैं। तो इस तरीके से पहले आलुओं को आप ग्रेट कर लीजिए। अब इसमें जाएगा ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरी धनिया की पत्ती, एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक कट कर लिया, 1 चम्मच हरी मिर्ची और 1 चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ अदरक डाला है। इसके बाद इसमें कुछ बेसिक चीज़ें और जाएंगी, जैसे जाएगा आमचूर पाउडर, तो आधा चम्मच मैंने डाला आमचूर का पाउडर, आधा चम्मच मैंने डाला काला नमक, आधा चम्मच मैंने डाला चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच ही डाला मैंने रेगुलर वाला नमक, जो नमक हम लोग डेली यूज करते हैं वो ऐड करिए। इसके बाद इसमें जाएगा 5 से 6 चम्मच राइस फ्लोर। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक साथ करके रख दीजिए फ्रिज में। तब तक हम चटनी बना लेते हैं, यानी जब तक चटनी बनाना है तब तक मिक्सर को आपको फ्रिज में रख देना है। चटनी बनाने के लिए मैंने 3 हरी मिर्ची ली है। मिर्ची कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मगर कहा जाता है ना चटनी चाट के खाई जाती है, वो चटनी क्या जो चाटा ना जाए। तो मैंने 3 हरी मिर्ची ली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, आधा से थोड़ा सा कम प्याज लिया, फ्रेश पुदीना के पत्ते लिए और ढेर सारा हरी धनिया के पत्ते लिया। अब सारी चीज़ों को आपको मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। इसके बाद मैंने इसमें डाला आधा नींबू का रस, जो इसको हल्का सा टैंगी फ्लेवर देगा, और नमक जाएगा आपके स्वादानुसार, और डालिए थोड़ा सा ठंडा पानी। ठंडा पानी ऐड करने से क्या होगा, चटनी का जो हरा कलर है वो मेंटेन रहेगा। अब आपको इनको ग्राइंड कर लेना है और ये लीजिए बहुत ही लाजवाब टेस्ट वाली हरी चटनी हमारी बनके तैयार है। जो कलर देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट आया है। इसको एक बाउल में निकाल के एक साइड में करके रख दीजिए। थोड़ी इसमें वर्चना, मेरी आज की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का बहुत बहुत वेट होता है। तो अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक जरूर किया कीजिए। थैंक यू। आलू टिक्की के मिक्सचर को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया। हाथों में अप्लाई करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, जिससे कि मिक्सर जब हम लें तो हाथों में वो स्टिकी ना हो। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा बड़ा पोर्शन लेना है आलू के मिक्सर में से, और उनको राउंड शेप दे देना है, जैसे हम लोग टिक्की बनाते हैं बस वैसा ही आपको शेप देना है। ये देखिए, तो मुझे लग रहा था कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दिया टिक्की, तो मैंने उसका एक्स्ट्रा पोर्शन निकाल दिया था। इसी तरीके से आपको सारे पहले टिक्की रेडी कर लेने हैं। इसके बाद आपको एक प्लेट में कॉर्नफ्लोर या मैदा लेना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप मैदे का भी यूज कर सकते हैं। और हर टिक्की को कॉर्नफ्लोर से इस तरीके से आपको कोट कर लेना है, यानी सूखा कोट करना है हल्का हल्का सा लगा के, और जो एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव कर दीजिए। इस तरीके से क्या होगा, टिक्की का एकदम परफेक्ट शेप आएगा और हमारी जो टिक्की बनेगी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगी। जो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं ना, आपकी रेसिपी को एकदम परफेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी टिक्कियों को तैयार कर लिया और एक पैन में कुकिंग ऑयल डाला, और कुकिंग ऑयल जब अच्छी तरीके से गर्म हो गया तो मैंने गैस की टेम्परेचर को मीडियम किया। इसके बाद ये जो तैयार टिक्कियाँ हैं आपको पैन में डाल देनी है। एक बार में जितना आता है उतनी ही टिक्कियों को डाली, तो मेरे पैन में सिर्फ 2 ही टिक्की आई, तो मैंने 2 टिक्कियों को डाला। अब आपको इन्हें करना है शैलो फ्राई। अब आपको इनको शैलो फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे जरा भी शैलो फ्राई मत कीजिएगा, नहीं तो वो अच्छे से क्रिस्प नहीं होंगे। और टिक्की जब तक अच्छे से क्रिस्प नहीं होती तब तक खाने में वाव वाली फीलिंग तो नहीं आती है। तो देख सकते हैं बॉटम साइड से बहुत ही प्यारा कलर आया हुआ है और अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। अब इसको पलट दीजिए। आपको अलटते पलटते हुए दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी करारा होने तक फ्राई कर लेना। और ये देखिए बहुत अच्छे से ये क्रिस्प हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया हुआ है। इसी तरीके से आपको सारे टिक्कियों को शैलो फ्राई कर लेना है। आप इस आलू टिक्की को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, हरी चटनी के साथ बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्टी लगती है। थोड़ा सा स्प्रिंकल करिए काला नमक या चाट मसाला पाउडर, जो इसके टेस्ट को और इन्हेंस करता है। और ये देखिए बहुत ही लाजवाब क्रिस्पी करारी आलू टिक्की बनके तैयार है। चलिए इसकी चाट बना लेते हैं। और जब आप इस तरीके से आलू टिक्की चाट घर पे तैयार करेंगे तो यकीन मानिए बाहर का खाना भूल जाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने एक प्लेट में लिया आलू टिक्की, इसके ऊपर डालेंगे फ्रेश मीठी दही, के बाद ऊपर से इसमें जाएगा तैयार हरी चटनी जो इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। थोड़ा सा डाली इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो इमली की चटनी की रेसिपी का अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उसका कमेंट सेक्शन में लिंक लगा दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा स्प्रिंकल करिए काला नमक, थोड़ा सा डालिए कटे हुए हरे प्याज, जीरो नायलॉन सेव, और थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए इसमें डालिए लाल मिर्ची का पाउडर, जिसको बहुत ज़्यादा यमी है टेस्टी बनाएगा। बाजार से बेहतरीन आलू टिक्की चाट बनके तैयार है। तो मेरी आज की रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फीडबैक देना जरा भी मत भूलिएगा, साथ ही साथ पेज को फॉलो करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।